नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस क्वेश्चंस, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं आपको, मान लीजिए एक शिप है, एक शिप इधर जा रहा है कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर से, और इस शिप को दे दो आप बी, शिप बी इधर कितने से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। और एक और शिप है ए, जो कि इधर कितने से आ रहा है, इधर कितने से आ रहा है बोलो, 10 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ की डिस्टेंस जो दे रखी है ये वाली, वो 10 किलोमीटर दे रखी है, मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी, 10 किलोमीटर। दोबारा सुनो, एक शिप है ए, जो कि शिप ए आ रहा है नीचे की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, मतलब ये क्या है शिप ए, और ये क्या है शिप बी, शिप बी इधर जा रहा है ईस्ट की तरफ मान लो, और ये नॉर्थ से आ रहा है इधर साउथ की तरफ, ठीक है। तो आपको निकालना है, फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या निकालना है, फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बहुत सिंपल है, देखो जब भी ऐसा करेंगे तो आप रिलेटिव से करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक बात कि दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होती, बात समझ आ रही है। तो ए और बी के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना, समझ आ रही है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। तो वो निकालने के लिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, ऐसा करना है कि बस एक को रोक दीजिए और दूसरे को दौड़ा दीजिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इसको रोकोगे, इसको रोकोगे इसका मतलब आप इस पर बैठ गए, मतलब ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो, बी से, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए देख रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है ना। अगर मैं आई जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या है, मान लीजिए एक्स और ये मान लीजिए वाई। तो अगर मैं कहूं कि वी ए वैक्टर कितना है, तो वो दे रखा है माइनस 10 जे कैप, और वी बी वैक्टर कितना है, तो वो दे रखा है आपको प्लस 10 आई कैप। तो यहां से देखा तो क्या आया, वी ए वैक्टर माइनस 10 जे कैप माइनस वी बी वैक्टर माइनस 10 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो आया है ना, वो ये आया है माइनस 10 जे कैप, ये कंपोनेंट तो है ही, बट एक कंपोनेंट और ऐड हो गया है, वो ये ऐड हो गया है, और ये ऐड क्या है, माइनस 10 आई कैप, इधर नेगेटिव में 10 किलोमीटर पर आवर और ऐड हो गया है, ठीक है। जब इसे मैं रोकता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखूंगा, मतलब बी पे मैं बैठ के देख रहा हूं, मतलब बी रुक गया, और बी जब रुक गया तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मुझे ये देखना है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब बी रुक जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बी के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी, और बी के रिस्पेक्ट में मैंने वेलोसिटी लिखी तो कुछ ऐसी आ गई। तो मैं आपको एक और दूसरी ट्रिक बता रहा हूं, और वो ट्रिक कुछ भी नहीं है, जिधर मान लीजिए बी के पास में इधर वेलोसिटी थी, अगर बी को रोकना है तो रोक दो, और बी की जो वेलोसिटी है उसको उल्टा करके जस्ट ऐसे उल्टा करो और ए पे चिपका दीजिए, समझे, बी की वेलोसिटी मान लो इधर है तो इसको जस्ट उल्टा करो और ए से चिपका दो, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप वेलोसिटी निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी को उल्टा करो और इस पे चिपका दो, बात समझ आ रही, वेलोसिटी ऑफ ए निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हो तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करो और इससे चिपका दो। अब इसकी वेलोसिटी देखो, इधर एक कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, तो नेट वेलोसिटी बेसिकली पार्टिकल की, मतलब शिप की किधर है, इधर है, बात समझ आ रही है, तो इधर ही दौड़ेगा, और कितने से दौड़ेगा, 10√2 से दौड़ेगा, हम कह सकते हैं, क्यों दौड़ेगा 10√2 से, क्योंकि हमें पता है कि 10 इधर है 10 इधर है, तो बीच में ही जाएगा ये, समझ आ रही है। तो मिनिमम डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, जब ये रुक गया है यहाँ पे, जब ये रुक गया है, ये यहां से यहां जा रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, ये परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस होगी, बोलो ये परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस होगी या नहीं होगी, तो ये परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस आपकी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी डी मिनिमम,
क्योंकि जब ये यहां से यहां पास कर रहा होगा ये तो रुक ही गया है, तो ये वाली क्या होगी मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, ये एंगल कितना है 45 हमको पता है, वो कैसे पता लगा क्योंकि ये 10 है ये 10 है ये 10√2, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 45। ठीक है, तो क्लियर कट है ये वाला, ये कैसे निकालेंगे जब हमें पता है कि ये कितना है 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर है तो 10 sin 45 या 10 cos 45 कुछ भी कह लो, तो हम यहां से कह सकते हैं कि डी मिनिमम जो हो जाएगा आपका डी मिनिमम विल बी इक्वल टू 10 sin 45 मतलब 10/√2 मतलब 5√2 किलोमीटर, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या करो जब भी मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो एक को रोक दो और उसकी वेलोसिटी को उल्टा करो और उस पर चिपका दो, बात समझ आ रही है, और क्या करो उसकी नेट वेलोसिटी से उसको दौड़ाओ, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ेगा तो वो सीधी रेखा में दौड़ेगा मतलब स्ट्रेट लाइन में जाएगा, देन वी कैन फाइंड दिस एंगल, देन वी कैन से यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक परपेंडिकुलर गिराएंगे इसके पाथ पर, तो जब यहाँ से गुजर रहा होगा ये तब क्या होगी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस कंसेप्ट। एक और एग्जांपल कर लो, ये आपको दे रखी है मान लीजिए 5 किलोमीटर एंड दिस इज शिप ए एंड दिस इज शिप बी। ठीक है, फाइंड आउट द डिस्टेंस डी मिनिमम बिटवीन ए एंड बी। तो सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है, जिसके रिस्पेक्ट एक के रिस्पेक्ट में एक को देख लो, तो मान लीजिए डी मिनिमम ए बी के बीच में निकालना है तो किसी को भी रोक दो, मान लीजिए इसको रोक दिया मैंने, इसको रोक दिया मतलब इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ मैं, इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे रुक गया, ये रुक गया इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ऐसे है, इसको उल्टा करो और यहाँ पे चिपका दो 5 किलोमीटर पर। अब ये कुछ ऐसे जाएगा, समझ आ रही है, और जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये होगी डी मिनिमम, समझ आ रही है। अगर मान लीजिए ये एंगल अल्फा है तो हम क्या कहेंगे, ये एंगल अल्फा है तो डी विल बी इक्वल टू ये 5 है 5 sin अल्फा 5 sin अल्फा विल बी इक्वल टू डी मिनिमम, तो बेसिकली हमको अल्फा निकालना। अब देखो ये कौन सा वेक्टर है 10 किलोमीटर पर आर, ये वेक्टर, ये 5 किलोमीटर पर आर, ये वेक्टर, तो हमने अल्फा निकालने के लिए जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 हो तो मैंने अल्फा निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि टेन इनवर्स जिससे एंगल है उसको नीचे रखो और अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा की वैल्यू आपकी हो गई 1/2। जब 10 अल्फा की वैल्यू आपकी 1/2 हो गई तो हम किसकी निकालनी है आपको, किसी की भी निकाल दो, साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लूं, ये क्या है अल्फा है और इसमें ये परपेंडिकुलर बेस ये हाइपोटेनस, तो 10 अल्फा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ आ रही है, वो कितना दे रखा है 1/2। ठीक है, और बट साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर अगर मैं 1 मानूं, बेस को मैं 2 मानूं, तो परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1² + 2² तो हो जाएगा 1/√5। तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 1/√5, तो यहां पे रखेंगे तो 5 × 1/√5 विच इज इक्वल टू डी मिनिमम, तो ये हो जाएगी √5 किलोमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ग्रेविटी, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, तो इस पर ज़्यादा हम फोकस ना करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि अगर मैं कहूँ मान लीजिए एक एग्जांपल छोटा सा रिवाइज कराने के लिए कि ये आपको मैं दे दूँ कुछ 100 मीटर एक पार्टिकल है, इसको मैं 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और ये पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं कि फाइंड आउट द टाइम ऑफ कॉलिजन, क्या पूछना है मुझे, टाइम ऑफ कॉलिजन, तो टाइम ऑफ कॉलिजन निकालना है तो इट इज वेरी इजी। मैंने बताया था ग्रेविटी में क्या बताया था कि क्या करो मान लीजिए इस पार्टिकल को ए इस पार्टिकल को बी मान लीजिए, तो आप क्या करो कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देख लो, मतलब
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लो या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लो, ठीक है ना। अब हमें ये तो पता है कि इसका एक्सेलरेशन नीचे जी है और इसका भी एक्सेलरेशन नीचे कितना है, जी है। तो सबसे पहले देखो कि अगर हम किसको, इसको रोक देते हैं, मान लीजिए इसको रोक दिया हमने, इसको हमने क्या कर दिया, रोक दिया, तो हम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे और एक्सेलरेशन ऑफ ए, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी बताइए, वेलोसिटी ऑफ बी बताइए प्लस 50 और माइनस वेलोसिटी ऑफ ए जो कि क्या है, जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ बी बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, नीचे की तरफ माइनस जी, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ ए बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए वो भी क्या है, माइनस जी, तो ये हो गया जीरो आपका। तो यहां पे क्या होता है कि जब हम एक को रोक देते हैं, एक को रोक दिया मतलब यहीं पे है और ये चलेगा, और ये चलेगा तो किससे चलेगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी से, 50 से, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा जो चलता है वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है, किससे चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो, मैंने ये बता रखा है पहले भी। तो यहां से कह सकते हैं कि यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगेगा, देन वी कैन से टी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पार्टिकल विच इज 100 एंड वी नो द रिलेटिव वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 50 मीटर पर सेकेंड इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद में क्या कर देंगे, कोलाइड कर जाएंगे, 2 सेकेंड के बाद में कोलाइड कर जाएंगे। तो बेसिकली हमने ए के फ्रेम में जाके टाइम ऑफ कॉलिजन निकाल लिया, ए के फ्रेम में जाके टाइम ऑफ कॉलिजन निकाल लिया, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये बहुत आसान हो जाता है कि जब भी हम किसी एक के फ्रेम में चले जाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, तो इस वजह से हमें टाइम निकालने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। जब इसे हमने रोक दिया था इसका मतलब पार्टिकल ए वहीं पे रहेगा और बी यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 100 मीटर। तो ये भी जो होती है 100 मीटर वो क्या होती है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी होती है, समझ आ रही है, और ये क्या होता है 50 VBA, समझ आ रही है, और ABA क्या है, जीरो। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गया विद रिस्पेक्ट टू A, तो इससे कह सकते हैं टाइम ऑफ कॉलिजन 2 सेकंड है। बट एक्चुअल में कहाँ मिले, एक्चुअल निकालने के लिए, एक्चुअल पोजीशन निकालने के लिए हमको ग्राउंड फ्रेम में ही आना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि पोजीशन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज फ्रेम डिपेंडेंट, समझे। तो इसलिए हमको उसी ग्राउंड फ्रेम में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये जो पार्टिकल है वो 2 सेकंड में यहाँ से कहाँ आ गया होगा, यहाँ पे, तो वो कितना नीचे आ गया वो निकाल लें। तो मान लीजिए एच ये नीचे आ गया, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या लगाऊंगा मैं, माइनस एच इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो इंटू टी, टी क्या था 2 सेकंड, ठीक है, माइनस प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, टी क्या है 2 स्क्वायर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं माइनस एच इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ट्वेंटी, मतलब एच इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर, मतलब 2 सेकंड में ऊपर वाला पार्टिकल कितना नीचे आ जाएगा, 20 मीटर नीचे आ जाता है, कितना नीचे आ जाता है, 20 मीटर नीचे आ जाता है। तो मतलब कॉलिजन कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोजेक्टाइल के लिए, समझे। तो देखो क्या करेंगे, पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया है और इस पर एक मान लीजिए कोई लड़का बैठ गया, ठीक है, ये है मान लीजिए बॉय, ठीक है ना, ये बॉय, ये क्या है आपका बॉय, ठीक है, इस पार्टिकल पे बॉय बैठ गया, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, थीटा वन एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया गया है यू वन वेलोसिटी से, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है ना, जाएगा ही जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और इसके साथ साथ में क्या किया गया है, दूसरा पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल पे इसकी मान लीजिए गर्लफ्रेंड को बिठा दिया गया है, ठीक है ना, तो इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ बैठ गई, ठीक है ना, बॉय और इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर बैठ गई। अब यहाँ से देखिए, इफ दिस इज यू टू वेलोसिटी एंड दिस एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा टू, तो ये कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, समझ आ रही है। हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या निकालना है।
कि अगर देखा हमने कि इसका यू वन वेक्टर फॉर्म में लिखना है मुझे, तो देखो क्या लिखूंगा, ये आई कैप मान लो, ये जे कैप मतलब ये एक्स और ये वाई। तो अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये तो होगी लड़की, ये होगी लड़का। अब देखो यू वन और ये यू टू वेलोसिटी, बात समझ आ रही है? अब क्या हो रहा है कि अगर यू वन वेक्टर में लिखना चाहता हूं तो लिखूंगा यू वन कॉस थीटा वन आई के प्लस यू वन साइन थीटा वन जे के, क्योंकि इसका कंपोनेंट एक इधर होगा, वो क्या होगा यू वन कॉस थीटा वन और आई कैप का डायरेक्शन, तो इसलिए ऐसे लिख दिया। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, वो क्या होगा यू वन साइन थीटा वन, तो वो क्या लिख दिया यहां पे लिख दिया, ठीक है। ऐसे ये यू टू वैक्टर क्या होगा, यू टू वैक्टर हम लिखेंगे यू टू कॉस थीटा टू आई कैप प्लस यू टू साइन थीटा टू जे कैप, ठीक है, क्योंकि इसका इस लड़की का क्या होगा यू टू कॉस थीटा टू इधर एंड यू टू साइन थीटा टू इधर, सो इट इज वेरी इजी, समझे? तो ऐसे लिखेंगे। एंड अगर एक्सेलरेशन की बात करूं, इसकी बी के एक्सेलरेशन की बात करूं, तो बी के अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, बी के एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बी नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, माइनस जी जे कैप, माइनस जी जे कैप, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ गर्ल तो वो क्या होगा, वो भी माइनस जी जे कैप होगा, क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होगा माइनस जी, ठीक है ना। तो इसको एक्सेलरेशन ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू बालक, मतलब विद रिस्पेक्ट टू बॉय, विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ गर्ल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉय, तो देखो क्या हो गया, वो हो गया आपका जीरो। मतलब जो बॉय है ना, बॉय उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, मतलब अगर बॉय देखेगा ना कि गर्ल कहां जा रही है, तो गर्ल आपको कांस्टेंट जीरो एक्सेलरेशन से जाती हुई दिखेगी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से। बताता हूं कैसे, अगर मैं निकालूं वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो देखो क्या आएगा, तो आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ गर्ल माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। वेलोसिटी ऑफ गर्ल ये है, ये वेलोसिटी ऑफ बॉय है, ये यू टू बेसिकली क्या है, यू टू है क्या, वेलोसिटी ऑफ गर्ल ही तो है, और ये यू वन क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉय तो ही है। तो अब इसको करेंगे तो क्या आता है, देखो इसमें से इसे माइनस करो तो ये आपका आएगा यू टू कॉस थीटा टू माइनस यू वन कॉस थीटा वन आई के प्लस U2 sin theta 2 minus U1 cos theta 1 J cap, ये basically क्या है आपका velocity of girl with respect to boy, मतलब boy के respect में देखा जा रहा है, मतलब boy जो girl को देखेगा ना तो पता क्या देखेगा, ये देखेगा कि ये constant velocity से जा रही है, इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन में जाती हुई नजर आएगी, मतलब ये तो रुक गए भाई, बॉय के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसका मतलब बॉय तो रुक गया, बॉय रुक गया तो ये बॉय तो ये रहा, ठीक है, ये रहा अपनी गर्ल, और ये गर्ल किधर जाती हुई नजर आएगी, इसको स्ट्रेट लाइन में इधर जाती हुई नजर आएगी, और वो कितनी वेलोसिटी से, इतनी वेलोसिटी से बॉय को ये इधर जाते हुए नजर आएगी, स्ट्रेट लाइन में जाती हुई नजर आएगी, स्ट्रेट लाइन में जाती हुई नजर आएगी, बात समझ आ रही है, बॉय को ये गर्ल स्ट्रेट लाइन में इधर जाती हुई नजर आएगी, जिसका दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये आई कैप वाला और ये कंपोनेंट जे कैप वाला, समझ आ रही है, तो ये कंपोनेंट दो होंगे और नेट इधर जाती हुई क्या दिखेगी, गर्ल दिखेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू बॉय क्या हो गया, जीरो। मतलब यहाँ पे एक फायदा होता है कि जब रिलेटिव में बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाता है, बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे ये बहुत फायदेमंद चीज़ हो जाती है कि यहाँ से करना बहुत आसान हो जाता है, समझ आ रही है।
अगर मैं कहूँ कि ये जो गर्ल है जो जा रही है किसके रिस्पेक्ट में, बॉय के रिस्पेक्ट में, हम बॉय के फ्रेम में बैठ के अगर देख रहे हैं, मतलब बॉय देख रहा है गर्ल को, तो कैसे जाती हुई नजर आती है उसको? स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाती हुई नजर आती है, समझ आ रही है? स्ट्रेट लाइन में जाती हुई नजर आती है। अब सुनो मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर देखा जाए कि अगर मैं कहूं कि बॉय को ओनली गर्ल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाती हुई नजर आती है, मतलब अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए कि फॉर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर गर्ल ओनली वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मतलब ऐसे में कहूं कि बॉय है ये बॉय, और बॉय के रिस्पेक्ट में जो गर्ल जा रही है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रही है ओनली, मतलब बॉय के रिस्पेक्ट में गर्ल के पास में हॉरिजॉन्टल में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब यही तो हुआ ना, बॉय के रिस्पेक्ट में गर्ल किधर जा रही है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में। गर्ल किधर जा रही है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? जो एक्स का कंपोनेंट क्या हो गया? जीरो। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब यू टू कॉस थीटा टू इक्वल टू क्या हो जाए? यू वन कॉस थीटा वन। ये जब हो जाता है तो बॉय को क्या लगेगा? गर्ल कहाँ जा रही है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रही है। कहाँ जा रही है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है ना? अगर इससे ऑपोजिट हो जाए कि मान लीजिए बॉय को लग रहा है कि गर्ल जो है वो ओनली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, किस में जा रही है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? जीरो। मतलब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम कहेंगे यू टू साइन थीटा टू शुड बी इक्वल टू यू वन कॉस थीटा वन, समझे? मतलब वर्टिकल लाइन में जाती हुई नजर आती है बॉय को, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गए? जीरो, ठीक है ना? और अगर हॉरिजॉन्टल में जाती हुई नजर आती है, मतलब इधर या फिर इधर खुद की तरफ या दूर की तरफ जाती हुई नजर आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल वाले कंपोनेंट, वर्टिकल वाला रिलेटिव कंपोनेंट क्या हो गया? जीरो, ठीक है ना? सो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, आपको अभी इसकी फीलिंग नहीं आ रहा होगा ना, अभी देखो कैसे एकदम अच्छे से फीलिंग आएगी, एकदम मजा आ जाएगा इसको, समझे? सेम चीज, ये चीजें आप क्या करेंगे कि ये पढ़िए, ये समझ में थोड़ा कम आया, जो एग्जाम्पल मैं कराऊंगा उसको इससे रिलेट करिएगा। क्या करोगे? जो एग्जाम्पल मैं कराऊंगा उसको इससे रिलेट करिएगा कि ऐसा कैसा है, बात समझ आ रही है? ये उसकी थियरी है, जो एग्जाम्पल कराऊंगा उसमें ऐसा पता नहीं लगेगा आपको कि मैंने ये अप्लाई किया है, क्योंकि वो इतना आसान है करना उसको कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि इससे उसको रिलेट करना है, उस एग्जाम्पल को, ठीक है ना? लिखिए, सो दिस इज द क्वेश्चन। देखो क्या किया गया है, इस पार्टिकल को यहाँ से 37 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है? ए पार्टिकल है, एंड ऐसे बी पार्टिकल को इस साइड में 50 डिग्री, 50 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री पर क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 मीटर, ठीक है ना? नाउ निकालना है आपको, फाइंड आउट द यू फॉर कॉलिजन। क्या निकालना है? कंडीशन, मतलब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू फॉर कॉलिजन। क्या हो रहा है कि कॉलिजन हो जाए इन दोनों के बीच में, उसके लिए वैल्यू ऑफ यू निकालना है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू फॉर कॉलिजन, फाइंड यू फॉर कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब ये दोनों क्या है, आपस में टकरा जाते हैं, उसके लिए हमको क्या निकालना है, इसकी U की वैल्यू निकालना है। तो इसको देखो करने का आसान तरीका, मैंने कहा कि एक पे बैठ जाओ और दूसरे के रिस्पेक्ट में आप देख लो, समझे? देखो कैसे करेंगे। अगर मैं कहूं किस पे बैठोगे, आप बोलो इस पे बैठ जाओ, इस पे बैठोगे तो इसका मतलब ये रुक गया, और ये रुकता है तो मैंने एक चीज आपको ट्रिक बताई थी कि इसका इसका वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है ना उसको उल्टा करो और यहां चिपका दो, उल्टा करो और चिपका दो। अब इसको रोका तो इसका जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इधर है हॉरिजॉन्टल से कितनी, 30 डिग्री, 37 डिग्री के एंगल पर, उसे उल्टा करके बी से चिपका दो, तो बी से ऐसे चिपका दो, ठीक है? और वो कितनी है? यू। और ये कितना है बोलो? 37। मतलब यहां पे अब क्या है, रुक गया, ए रुक गया, मतलब ये सारी जो सिचुएशन है वो किसके रिस्पेक्ट में?
विद रिस्पेक्ट टू ए, फ्रेम ए के रिस्पेक्ट में सारी बातें हो रही है। मैंने क्या किया है, मैंने एक ट्रिक बताया आपको कि जब भी ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे आप, यू इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर थी, उसको उल्टा करो और उसको यहां से चिपका दो इस पर, ठीक है ना। तो अब जो ये सिचुएशन जो चल रही है, ए तो रुक गया, ए रुक गया, अब ये देखो बी, बी बस मूव कर रहा है ए के रिस्पेक्ट में, बात समझ आ रही है। एक और चीज, एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन ए का किधर था, इधर, कितना जी, और ऐसे बी का एक्सेलरेशन किधर था, नीचे, कितना जी। तो एक्सेलरेशन को भी तो क्या है, उल्टा करके चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए नीचे की तरफ ऐसे था, इसको उल्टा करो और उल्टा किया तो ऐसे, और यहां पे चिपका दो, तो यहां पे एक्सेलरेशन भी चिपका दिया। तो जी से जी क्या हो गया, कट गया, जी से जी तो क्या हो गया, कट गया। तो मतलब क्या हो गया, ए के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। मतलब ए के पास में जो कुछ भी है उसको उल्टा करके बी से चिपका दो, समझ आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी जो स्टडी होगी, बी को हम देख रहे हैं वो कहां से देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब फ्रेम ए से हम देख रहे हैं, मतलब ए क्या है, रुका हुआ है। अब बस ये तो बहुत आसान हो गया। अब देखिए क्या करना है, अगर मैं देखा एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो इसका कंपोनेंट करते हैं अपन, ये कितना था 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये जी को मैं हटा देता हूं अभी, ठीक है ना, वो हमने कर दिया, हटा दिया, ठीक है ना। इस की कंपोनेंट करते हैं वेलोसिटी के, ठीक है ना। तो 50 sin 53 कितना हो जाएगा बोलो, 40 मीटर पर सेकंड। कैसे, 50 sin 53 4/5 multiply by 50 40, और इधर कितना हो जाएगा 30, 50 cos 53 कितना 30 मीटर पर सेकंड, समझे। U के कंपोनेंट करिए, U का इधर कंपोनेंट क्या होगा बोलो, U का हो जाएगा इधर U cos 37, cos 37 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 4/5, तो 4U/5, और इधर कितनी हो गई, इधर हो गई आपकी 3U/5। तो एक बात बताइए कि A यहाँ पे रुका हुआ है और A के साथ में कॉलिजन होना बहुत जरूरी है, मतलब B अगर क्या है, B अगर एज ए सीधा आता है तभी पॉसिबल है कॉलिजन, अदरवाइज तो पॉसिबल है नहीं। अगर बी सीधा नहीं आया, कहीं भी डिविएट हो गया, तो कॉलिजन ए के साथ में पॉसिबल नहीं है। कॉलिजन होने के लिए बी को सीधा आना पड़ेगा। तो सीधा कब आ सकता है, जब ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, तब ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल, समझ आ रही है। मतलब ये बी जो चल रहा है ना, बी जो चल रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में चल रहा है, और बी का हॉरिजॉन्टल लाइन में चलना कभी पॉसिबल होता है, जब वर्टिकल वाली वेलोसिटीज क्या हो जाए, जीरो। वर्टिकल की नेट वेलोसिटीज क्या हो जाए, जीरो। लास्ट जो डेरिवेशन कराया उसको देखो, उसको मैं प्रूव कर रहा हूँ, बेसिकली डेरिवेशन को, बात समझ आ रही है। यहाँ तो फीलिंग आती है, सिंपल दिखता है, साफ दिखता है कि भैया अगर इसको ए से टकराना है तो इसका जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट है उनको जीरो होना पड़ेगा, अगर नहीं हुए वो जीरो तो कहीं इधर निकल जाएगा या इधर निकल जाएगा, समझे। तो हम कहेंगे कि 3u/5 शुड बी इक्वल टू 40, देन वी कैन से इट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इतनी। अगर मैंने पूछ लिया कि फाइंड आउट द टाइम ऑफ कॉलिजन, क्या निकालने को पूछ लिया मैंने कि फाइंड आउट द टाइम ऑफ कॉलिजन, तो टाइम ऑफ कॉलिजन निकाल सकते हैं अपन, यू की वैल्यू मिल गई हमको, यू की वैल्यू मिल गई, और बी यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, बी को करनी है नहीं करनी, यहां से यहां की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 100 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है बोलो, 100, और कितनी स्पीड से, 30 प्लस 30, तो इधर का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट भी तो आएगा, प्लस 4u/5, और u हम निकाल चुके हैं, u कितना है 200/3, तो ये कह सकते हैं ये हो जाएगा अपना टाइम ऑफ कॉलिजन, ठीक है ना। तो 100/30 + 4/5 × 200/3, तो 200/3 × 4/5, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका
40, तो ये हो जाएगा आपका 300 अपॉन 90 प्लस 160, 90 प्लस 160, ठीक है, तो हो जाएगा 30 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा आपका 6/5 सेकेंड। तो 6/5 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, कोलाइड कर जाएगा विद पार्टिकल ए। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हमको बेसिकली इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या करनी है, जीरो करनी है, तभी ये क्या है कि ए की तरफ दौड़ेगा इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। तो ये हमने किया है यहाँ पे फॉर द कॉलिजन, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है कि यहां से पार्टिकल ए प्रोजेक्ट किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री के एंगल पर, यहां पे कितना ऊपर है ये, 400 मीटर ऊपर है, ये कितना मीटर ऊपर है, 400 मीटर ये ऊपर है, ठीक है ना। यहां से 800 मीटर ऊपर एक और पार्टिकल है बी, ठीक है, और बी यहां से हॉरिजॉन्टली 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आपको निकालना क्या है, मैं आपको बता दूं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू, और ये भी आपको दे रखा है 400 मीटर, ठीक है, आपको निकालना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू सच दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू सच दैट दे विल कोलाइड या कॉलिजन विल अकर, ठीक है ना। क्या निकालना है, कॉलिजन होता है उसके लिए क्या निकालना है आपको, कॉलिजन होता है उसके लिए वैल्यू ऑफ यू निकालना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू सच दैट कॉलिजन विल अकर, ठीक है ना, एंड फाइंड द टाइम ऑफ कॉलिजन, टाइम ऑफ कॉलिजन भी आप निकाल दीजिए। तो दो चीजें निकालनी है, यू की वैल्यू निकालनी है जिससे कि कॉलिजन हो जाए, और सेकेंड निकालना है आपको टाइम ऑफ कॉलिजन, टाइम ऑफ कॉलिजन भी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मैंने एक ही चीज बताई है, एक को रोक दो और एक को चला दो। अब यहाँ पे मैं बी के रिस्पेक्ट में देख लेता हूँ और बी को रोक देता हूँ। जब बी को रोक रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि बी के पास में क्या एक वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन है जो कि जी नीचे है, इसके पास भी एक क्या है वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन है नीचे, कितना जी, ठीक है। जब इसको मैं रोक रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी ऐसे है, इसको मैं उल्टा करूंगा और यहां चिपका दूंगा, तो वो किधर हो गया, इधर हो गया, वो कितना है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन नीचे है और इसको उल्टा करूंगा और यहां पर चिपका दूंगा, तो वो हो गया जी। तो ये जी से जी गया, मतलब एक्सेलरेशन तो इस पार्टिकल का क्या हो गया, जीरो। अब पार्टिकल की एक वेलोसिटी इधर है 50 मीटर पर सेकंड और एक वेलोसिटी इधर है, कितनी यू, ठीक है। अब ये जी को मैं काट रहा हूं क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, ठीक है, यहां से ये मिटा दिया मैंने, ठीक है, एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या हो गया, ए का जीरो। अब हम ये सारी चीजें जो देख रहे हैं वो किसके फ्रेम से देख रहे हैं, बी के फ्रेम से, बी यहां पे रुक गया, हम किसके फ्रेम से स्टडी कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ बी, फ्रेम ऑफ बी, फ्रेम ऑफ बी से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए U का एक कंपोनेंट इधर कितना हो गया 50, U का एक कंपोनेंट U cos 53, U cos 53 का मतलब क्या हुआ 3U/5, ठीक है ना, और ऐसे एक U का कंपोनेंट इधर कितना 4U/5, यही तो हुआ ना बेसिकली, अगर इसको मिटा दें तो भी काम चलेगा, समझ आ रही है, क्योंकि कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके हमने लिख लिया है, ठीक है ना। ऐसी कुछ सिचुएशन है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहां से इसको यहां पे दौड़ाना है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में तो चलेगा ही बी के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि रिलेटिवली एक्सेलरेशन क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, और ये वेलोसिटीज क्या है कांस्टेंट, तो ये स्ट्रेट लाइन पे मतलब ऐसे दौड़ जाइए, ऐसे अगर दौड़ जाए तो हम कह सकते हैं, और वो क्या कह सकते हैं हम, कि ये ए जो पार्टिकल है वो बी को जाके हिट कर देगा, ठीक है ना। तो ये कब पॉसिबल है, हमें पता है कि ये कितनी है 400 और ये भी कितनी है 400, ये कैसे पता, क्योंकि टोटल 800 है, ये 400 है, 400, तो ये एंगल कितना हो गया 45। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे तो नेट किधर जाएगा 45 पे जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 4U/5 शुड बी इक्वल टू 50 प्लस 3U/5, ठीक है ना। तो यहां से ये इधर गया तो u by 5 इक्वल टू 50, तो u इक्वल टू 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और बताइए टाइम, टाइम इन कॉलिजन क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कवर करनी है इसको, ठीक है, कितनी स्पीड से करनी है, इतनी स्पीड से नहीं करनी, कितनी स्पीड से करनी है बोलो,
ये डिस्टेंस कवर, यू तो ऐसे निकल आया, बट ये डिस्टेंस जो कवर करनी है वो इस डायरेक्शन में करनी है, और वो कितनी स्पीड से करनी है, कितनी कितनी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कवर करनी है जो कितनी होती है 400√2, ये डिस्टेंस कवर करनी है कितनी स्पीड से, इन दोनों के रियल टेंड की स्पीड से, और इन दोनों का रियल टेंड क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए एक्स, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, अरे होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या किए हैं, मैंने इक्वेट किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका x√2, समझ आ रही है, x√2 क्या हो जाएगी, नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ कह सकते हैं कि ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यही तो होगी, और दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस भी कितनी है 400√2, तो हम कह सकते हैं वी ए बी का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और वी ए बी कितनी आ गई, x√2, और x इक्वल टू क्या है 4u/5, तो √2 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी √2 का मल्टीप्लाई, यहाँ कह सकते हैं 4 × u = 250/5 × √2, तो ये हो गया 200√2, ठीक है, 200√2, तो 200√2 का डिवाइड कर दो, ये क्या है बेसिकली VAB नेट, तो यहाँ से कह सकते हैं 400√2/200√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं, लिखिए, सो वी नीड टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना हमको, बहुत ही आसान है, बस एक दूसरे के रिलेटिव में देख लो, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं अगर कि इसको रिजॉल्व करूं तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना 10, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जी इधर, और इसका भी एक्सेलरेशन जी इधर, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो ही होता है, तो उसे मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, अब क्या है कि चलो इसको यहाँ पर रिजॉल्व मत करो, ये देखो इसको रोक दो, ए को क्या कर दो, रोक दो, और बी की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी को ऐसे करके यहाँ पे चिपका दो, और यहाँ पे जब चिपकाई तो कितना 10√2, ठीक है, इसका एक कंपोनेंट इधर कितना बोलो 10, क्योंकि ये कितना है 45, और नीचे कितना, नीचे भी 10, क्योंकि 10√2 cos 45, 10√2 sin 45, इसका भी कंपोनेंट इधर कितना 10 cos 37, 10 cos 37 हो जाता है 8, और इधर 10 sin 37 वो हो जाता है 6, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये सिचुएशन क्या है कि ये पार्टिकल ए है और ये बी है, ए तो रुका हुआ है, बी का देखा जाए तो नीचे किधर किधर कितने से जा रहा है, 10 नीचे है 6 ऊपर है, तो नीचे 4 m/s, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कितनी है 10 + 8 = 18, मतलब हॉरिजॉन्टल में ये कुछ 18 m/s से जा रहा है, और ये जाएगा कैसे, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ही ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में विद रिस्पेक्ट टू ए, और विद रिस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ए के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो क्या है 0, क्योंकि ए का भी एक्सेलरेशन नीचे है, बी का भी एक्सेलरेशन नीचे है, इसलिए जो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है 0, ठीक है, अब ये सारी बातें ए के रिस्पेक्ट में चल रही है, ए रुका हुआ है, अब ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है, अब मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, यहां से परपेंडिकुलर कराएगा, यही तो मिनिमम डिस्टेंस होगी, यही तो डी मिनिमम होगी, यही डी मिनिमम होगी, ठीक है, ये मान लीजिए अल्फा, ठीक है ना, तो हम यहां से कह सकते हैं कि डी जो हो जाएगी वो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 50 m, तो डी जो हो जाएगी आपकी डी मिनिमम हो जाएगी 50 sin α, ठीक है, अब यहां से देखो कि अल्फा की वैल्यू क्या है, तो यहां से टेन अल्फा हम लिख सकते हैं, ये मुझे पता है कि टेन अल्फा क्या लिखते हैं, जिसके साथ में ये अल्फा है वो कहाँ आता है नीचे, और ये कहाँ आता है ऊपर, तो यहां से टेन अल्फा की वैल्यू तो हम कह सकते हैं 2/9, और टेन हमें पता है कि मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अल्फा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये क्या हाइपोटेनस है, तो ये बेसिकली क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट साइन अल्फा, then sin alpha will be perpendicular upon hypotenuse, समझ आ रही है, और perpendicular क्या है, मान लीजिए 2, और hypotenuse क्या हो जाएगा, square root of 2 square plus 9 square, तो hypotenuse ये हो गया, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये हमारी value कितनी आ जाएगी, sin alpha की value, तो यहां से कह सकते हैं, it is 50 × 2/81 + 4 हो जाएगा 85, तो स्क्वायर रूट ऑफ 85, तो ये हो जाएगी 100/√85,
तो दिस इज अ मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ डी मिनिमम. ठीक है, ऐसे हम डी मिनिमम निकाल सकते हैं. लिखिए,